तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, अपनों को मनाना है जरा देर लगेगी। ये तो है रेट्रो 106.4 पे, मैं हूँ सौरभ आपके साथ। रेट्रो जैम प्रोजेक्ट सीजन 2, मोहित लालवानी हमारे साथ में है रेट्रो जैम प्रोजेक्ट में, आज के हमारे आर्टिस्ट। हाउ आर यू मोहित? आई एम गुड सौरभ, थैंक यू। यार अब जबकि इंडियन आइडल में लोगों को आपको जानने को मौका मिला था, लेकिन एक बार फिर अगर मेमोरी रिफ्रेश की जाए, मोहित का ये म्यूजिकल सफर कहाँ से शुरू हुआ? स्कूल में था तब गाता था, स्कूल के कॉम्पिटिशन, वहाँ से बढ़ते 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 मैंने सीखना शुरू किया इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ओके, कुछ एक दो साल सीखा, फिर 9th स्टैंडर्ड में मैं फेल हो गया। अच्छा, बड़ी ये बात हैरानी की है लोगों को, किसी को पता भी नहीं है, मैंने किसी इंटरव्यू में ऐसे मेंशन नहीं किया। हाँ, हाँ। मतलब बिल्कुल पढ़ाई में, मतलब मेरा जीरो हो गया, खत्म हो गया, अंटागफी एकदम। हाँ, एकदम आउट। और मेरे को स्कूल से निकलना पड़ा, जो कि बहुत ही शर्म की बात थी मेरे लिए। तो बड़ा मुंह छुपाते छुपाते कहीं मैंने, मतलब गाने में इतना ध्यान रहा, इतना गाने में ध्यान था कि बस उसमें इतने शुमार हो गए थे। फिर वो 9th के बाद 10th जाके मैंने नए स्कूल में एडमिशन लिया। वहां जाके फिर वो एक साल मैंने सोचा कि नहीं यार, क्योंकि मेरे स्कूल ने मुझे म्यूजिकली सपोर्ट नहीं किया, तो आई विल नॉट डू म्यूजिक नाउ इन स्कूल। अच्छा, घर पे करता रहा, लेकिन अच्छा स्कूल में नहीं दिखाया अपना टैलेंट नए स्कूल जाके। ओके, मैं रोज घर पे आता था, बैग भी नहीं उतारता था, उतारे बिना ही मैं सीधा म्यूजिक रूम में अपने, मतलब मेरा अपना जो रूम था, इट वॉज ऑन बैक टू बैक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मोहित लालवानी मेरे साथ में। इंटरेस्टिंग, देखिए शुरुआत ही इतनी इंटरेस्टिंग है, आगे क्या होगा? अभी शुरुआत हो गई, अब गाने की बात हो रही है, तो कौन सा गाना मोहित हमारे लिए गाएंगे ये हम डिसाइड कर लेते हैं। मोहित, इतने सारे आपने सॉन्ग सुने होंगे, हम लोग 90s के बेस्ट सॉन्ग जो हैं वो लेके चलते हैं। अभी अगर गाना हो तो कौन सा एक गाना आप गाना पसंद करेंगे? मुझे गाने तो बहुत सारे पसंद हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद वन ऑफ माय फेवरेट्स। चलिए शुरुआत रेट्रो 106.4 पे, रेट्रो जैम प्रोजेक्ट सीजन 2 में, आज के हमारे आर्टिस्ट मोहित लालवानी मेरे साथ में। फिर बजाओ। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना कैसा मेरा यार है। ओ ओ ओ, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी नजर उसकी हया अपनी चाहत का रास खोलती, उसकी हया चुपके करे जो वफा ऐसा मेरा यार है। ओ ओ ओ, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है। ओ पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार। रेट्रो 106.4 पर सौरभ साथ में आपके, आज के हमारे आर्टिस्ट मोहित लालवानी यहाँ पर हैं। आजकल कंपटीशन तो बहुत है और सब अच्छा गा रहे हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है। बिल्कुल। What is it that one thing that you face is toughest other than competition? I think competition तो किसी का किसी से नहीं होता, क्योंकि हर एक की जर्नी अलग होती है। Exactly. और जहाँ आप ये कह रहे हो कि टफ क्या लगता है और क्या है जिसे पार पाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि एक सिंगर या एक इंसान किसी के भी जीवन में ना अपने आप को समझ लेना
हमारा उद्देश्य क्या है, अगर मैं म्यूजिक कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, पहले अपने उद्देश्य को अपने लक्ष्य को सही साधना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हम मल्टीपल जॉनर्स ट्राई करें या हम मल्टीपल आवाजों में गाने की कोशिश करें, दूसरों को कॉपी करें, नहीं, अपनी आवाज पहचाननी जरूरी है। बिल्कुल। और अपनी आवाज पहचान के अपने स्केल को समझ के अपने आप को समझ के गाना जरूरी है, और आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग एंड फिर फॉर श्योर यू विल गेट सक्सेस इन लाइफ। तो अपनी आवाज पहचान के अपने स्केल को पहचान के एक गाना दोबारा सुनना तो जरूरी है। Definitely, we will sing one more song. आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। सिंग अलोंग। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। अपनों को अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। ये तो है। अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी। बारिश का बहाना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। मैं हूं सौरभ, आपके साथ रेट्रो 106.4 पे म्यूजिकल जर्नी जो है ये आगे बढ़ती जा रही है। मोहित लालवानी मेरे साथ में है। अभी मोहित की लाइफ में क्या हो रहा है ये पूछना बड़ा जरूरी है। रेट्रो जैम प्रोजेक्ट सीजन 2। मोहित, अभी फिलहाल लाइफ में क्या चल रहा है? इंडियन आइडल से आगे बढ़े, उसके बाद क्या हुआ? इंडियन आइडल में मैं जब आ गया तो बहुत तालीम तो थी नहीं पीछे, ना घर में कोई संगीत का ऐसा माहौल था, क्योंकि वो जब नाइन्थ में मैं फेल हो गया मेरे घर वाले डरी गए, उन्होंने म्यूजिक बंद ही करवा दिया मेरा, तो मेरा खुद का ही लर्निंग चलता रहा। हाँ, उन्होंने कहा बंद करो ये बाजा छुपा के रख दिया। 11th 12th खत्म करके अच्छे नंबर लाके अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने गया। वहां जाके मैंने ऑनर्स इन म्यूजिक किया। मुझे पता लगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा भी एक ऐसा प्रावधान है। बेसिकली आप बीए इन म्यूजिक कर रहे हो या फिर एमए इन म्यूजिक कर रहे हो उसके आगे। अच्छा। तो आई डिड ऑनर्स इन म्यूजिक फ्रॉम फैकल्टी ऑफ म्यूजिक दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरे कॉलेज का नाम था रामजस कॉलेज। तो मतलब जब ये म्यूजिक ऑनर्स करने का डिसीजन लिया तो घर वालों का रिएक्शन क्या था यार, कि ये म्यूजिक मतलब काम क्या करोगे तुम? मतलब ठीक है म्यूजिक तो ठीक है। घर वाले तो यही कहते थे छोटे में, बेटे बड़े होके क्या करना है? मैं बोलता था कि मुझे गाना गाना है, सिंगर बनना है। नहीं, सिंगर तो तुम हो ही, तुम गाते तो हो ही रोज, स्कूल में भी गाते हो, यहां भी गाते हो, बेटा काम क्या करना है? मैंने बोला काम क्या करना है, गाना गाना है। नहीं, काम क्या करना है, पैसे कैसे कमाओगे? उनको समझ नहीं आता था। मुझे सही बताऊं तो मुझे भी नहीं पता था। आई वॉज ऑल्सो क्लूलेस, फ्रेंकली। आपको पता थोड़ी ना होता है कि, और उस एज में तो ये भी नहीं पता था कि क्या होगा, हम पहुंचेंगे कहाँ पहुंचेंगे। जब तक आप सपने देखते नहीं हो तो आई थिंक फिर वो पूरे होने की बात भी नहीं आती। देखने पड़ते हैं, फिर उस पर मेहनत करनी पड़ती है। और एग्जैक्टली व्हाट यू विजुलाइज जनरली हैपेंस, राइट? रेट्रो 106.4 पे अब इस विजुलाइजेशन के ऊपर थोड़ा सा ऊपर कहना चाहिए या बैकग्राउंड कहना चाहिए या प्लेबैक कहना चाहिए, वो हम सुन लेते हैं मोहित लालवानी की आवाज में। यहाँ पे रेट्रो 106.4 सुनते रहिए, फिर बजाओ। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे,
दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। मैं इशारा भी अगर करता हूँ इसमें हम दोनों की रुसवाई है, इसमें हम दोनों की रुसवाई है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। एक चेहरे ने बहुत एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। मैं हूं सौरभ, साथ में आपके रेट्रो 106.4 पे रेट्रो जैम प्रोजेक्ट सीजन 2। आज के कलाकार हमारे साथ में मोहित लालवानी। यहाँ पे मोहित, 90s की हम लगातार बात करते हैं, 90s के हम लोग वन ऑफ द बेस्ट एराज रहा है म्यूजिक में, बिकॉज बहुत साउंड चेंज हुआ 90s में। एक से एक म्यूजिक डायरेक्टर्स आए। 90s के म्यूजिक डायरेक्टर्स में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस आप किससे रहे? 90s में तो काफी सारे लोग अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन मुझे इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत अच्छा लगा 90s में। बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से 90s में ही वो एक करिश्मा हुआ था। वो एक जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जिस तरीके से पावरफुल हुए और लोगों ने उन्हें प्यार दिया, म्यूजिक लेबल्स ने उन्हें सपोर्ट किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ, अच्छे कंपोजर्स भी बहुत सारे रहे हैं उस दौर में। नदीम श्रवण मुझे अच्छे लगे, और उस दौर में अनु मलिक जी तो कर ही रहे थे। बिल्कुल। उसके अलावा आई थिंक जतिन ललित जी ने बहुत अच्छा काम किया 90s में, बेहतरीन म्यूजिक, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो आई थिंक ये तीन में नाम जो है मेरे जहन में अभी आ रहे हैं। अगर मैं किसी को मिस कर जाऊं, कोई सुन रहा हो तो प्लीज मुझे माफ करिए। ए आर रहमान सर को कैसे बोल सकते हैं, सही बात है। ये कुछ नाम ऐसे थे जो जिन्हें कहना चाहिए सबसे ज्यादा फेमस नाम रहे उस दौरान, और सबसे हिट सॉन्ग्स इन्हें दिए। इनमें से किसी म्यूजिक डायरेक्टर का अगर आप कोई गाना गाएं राइट नाउ फॉर रेट्रो लिसनर्स, कौन सा होगा वो गाना? तो मैं फिर अभी गा देता हूँ अनु मलिक जी का एक गाना। तो चलिए, क्योंकि अनु जी इंडियन आइडल में भी हमारे जज थे। तो अनु जी का ही गाना गा देते हैं। चलिए अनु जी का गाना सुन लेते हैं, अनु मलिक का गाना मोहित लालवानी की आवाज में रेट्रो 106.4 पे। फिर बजाओ। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं मिटाते हैं, तुम्ही से प्यार करते हैं तुम्ही से फिर छुपाते हैं, तुम्ही से फिर क्यों छुपाते हैं। जुबा पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता, जुबा पे बात है लेकिन सुनाना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं, चोरी चोरी
चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं, हाले दिल सुनाने से ना जाने क्यों डरते हैं, ना जाने क्यों डरते हैं। कितना पागल दिल है मेरा, मनाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। सौरभ साथ में आपके रेट्रो 106.4 पे रेट्रो जैम प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पे एक से एक कलाकार चुनिंदा हम चुन चुन के हीरे लेकर आते हैं। उसमें मोहित लालवानी आज के उन कलाकारों में शुमार हो गए हैं जो हमारे साथ रेट्रो जैम प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। कंपोजर्स की बात हो गई, बात अब है एक्टर्स के बारे में। अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो किसके लिए आप प्लेबैक देना पसंद करेंगे? सब अच्छे हैं मेरे हिसाब से। और लिस्ट अगर बनाई जाए तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरह से देखिए, टॉप तीन शाहरुख खान साहब, इसलिए भी क्योंकि वो दिल्ली से हैं, एक जुड़ाव तो लगता ही है, जुड़ाव हाँ, मेरे बगल वाले कॉलेज से है ना। फिर फॉर श्योर कभी अगर अमिताभ बच्चन जी के लिए मिले, वो तो हमेशा ही बच्चन साहब, तो बच्चन साहब तो मतलब अगर He's, वो किसी रेस में नहीं है, वो तो रेस मतलब में नहीं, वो तो रेस से है, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल, मेरा मन है कि हाँ। कभी मेरे को ऐसा मौका मिले कि मैं उनके लिए भी गा सकूं, उनकी आवाज बन सकूं। आमिर खान साहब, ऑफ कोर्स मैं उनका काम बहुत पसंद करता हूं पर्सनली, बिकॉज वो बहुत अच्छे मैसेजेस देते हैं अपनी फिल्म्स से, बिल्कुल, एंड हिज मूवीज आर इंस्पायरिंग आल्सो एंड वर्क ऑफ क्राफ्ट, ट्रू, दैट्स ऑनेस्ट। और इस ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ जाते हैं और गाने सुन लेते हैं हमारे आज के आर्टिस्ट मोहित लालवानी से रेट्रो 106.4 पे। फिर बजाओ। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरजू जगाऊं अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं के पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो, जमीन को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो, मैं तितलियों के पीछे भागूं मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है तुम्हारे पास दोनों लाऊं, जितनी खुशबुए बाग में मिले, हाँ जितनी खुशबुए बाग में मिले, मैं लाऊं वहां पे कि तुम हो जहां जहां पे, एक पल भी ठहरो मैं गुलसिता बनाऊं अगर तुम कहो, तुमको बुलाऊं के पल के बिछाऊं कदम तुम जहां जहां रखो, जमीन को आसमां बनाऊं सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो, ला 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 ए हे ए ए ए। सौरभ साथ में आपके रेट्रो 106.4 पे और ये रेट्रो जैम प्रोजेक्ट सीजन 2 ये चल रहा है। आज के आर्टिस्ट मोहित लालवानी आपके लिए यहाँ पे गाने गा रहे हैं एंड लाइव शोज कर रहे हो मोहित? बिल्कुल कर रहे हैं, लाइव शोज तो बहुत कर रहे हैं। तो क्या लाइव का क्या इम्पैक्ट रहता है, हाउ इज इट, व्हाट्स द फीलिंग एंड व्हाट आर द गूफ अप्स यू गो थ्रू? लाइव में क्या होता है ना कि जब आप स्टेज पे होते हो ना आपको लगता है यू आर द किंग, ऐसा लगता है आप राजा हो, बस बाकी सब ऐसे आपकी सब देख रहे हैं, आपको सुनने आए हैं सब, आपको आप जो बोलोगे आप जो करोगे लोग आपको देखेंगे। और बाकी गूफ अप्स की बात है तो लाइव है, लाइव इवेंट में बहुत टेक्निकल इश्यूज भी आते हैं, बिल्कुल, काफी बारी क्या होता है कि हम प्रिपेयर कुछ करते हैं वहां जाके ऑडियंस का मूड कुछ अलग लगता है तो बदलना पड़ता है पूरा सेटलिस्ट, गाने चेंज करने पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो बैक टू बैक, गला कभी आपका उतना नहीं है, सही सही बात है,
थोड़ा नासाज है, रोज फॉर्म में नहीं होता बैट्समैन। हाँ, जैसे रोज बैट्समैन फील्ड पे होता है तो फॉर्म में नहीं होता, उसी तरीके से सिंगर भी 100% हर बार नहीं होता है, क्योंकि ये गला है, मशीन नहीं है। ऑब्वियसली लाइव गाना इज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर, डिफरेंट। लाइव की एनर्जी भी बहुत डिफिकल्ट होती है कैरी करना, उसकी पूरी गेम ही अलग है। रिकॉर्डिंग स्टूडियोज की गेम अलग है और लाइव शोज की एनर्जी और गेम एकदम अलग है। बिल्कुल, एंड दैट इज सो ट्रू। तो अभी जो हम सुनेंगे ये रिकॉर्डेड नहीं है, ये अनप्लग्ड म्यूजिक है, लाइव है। सुन के देख लीजिए, खुद पता कीजिए कि आज गला फॉर्म में है या नहीं मोहित लालवानी का। मोहित मेरे साथ में है, फिर बजाओ। पहली पहली बार बलिए, दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया हाय, दिल का करार खो गया हाय, दिल का करार खो गया। तेरे लिए मरता है माहिया, फिर क्यों जुदाई से दिल डरता है माहिया, तुझ पे जान सार बलिए, दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया हाय, दिल का करार खो गया हाय, दिल का करार खो गया। पहली पहली बार बलिए, दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, दिल का करार खो गया, दिल का करार खो गया, ओ दिल का करार खो गया। तो मोहित, अभी बॉलीवुड में क्या चल रहा है? बॉलीवुड में भी मेरे गाने आ गए हैं, दो गाने आए। पहला गाना तो भजन आया था, एक वहाद आज करके फिल्म थी, उसमें। उसके बाद दूसरा गाना मेरा आया लाली की शादी में लड्डू दीवाना, भी फिल्म आई थी दो तीन महीने पहले, तो उसमें मेरा एक गाना आया रोमांटिक सॉन्ग विद पलक मुच्छल, एंड उसको राहत जी ने भी गाया, एक वर्जन उनका एक वर्जन मेरा फिल्म के अंदर। क्यों हो तुम शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी, क्यों हो तुम शर्माई हुई सी, लगती हो कुछ घबराई हुई सी, ढलका हुआ सा आंचल क्यों है, ये मेरे दिल में हलचल क्यों है, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना दे दो ना, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल दिलकश नजारे देखे, झिलमिल सितारे देखे, आंखों में फिर भी तेरा चेहरा है जवान, कितनी बरसातें आई कितनी सौगातें लाई, कानों में फिर भी गूंजे तेरी ही सदा, वादे किए थे अपना होगा आशियां, वादों का जाने होगा क्या, तन्हा दिल तन्हा सफर, ढूंढे तुझे
फिर क्यों नजर तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर तन्हा दिल तन्हा दिल तन्हा दिल पुल गया हारत जीत ए माए की करना मैं जीतनू ओवे ना जे मीत ओवे जेमीत बिंदिया लगाती तो कांपती थी पलके मायरी चुन्निया सजा के वो देती वादे कल के मायरी मेरे हाथों में था उसका हाथी चाशनी सी हर उसकी बात मारी आप ही हंस दी मारी आप ही रोंदी मारी याद वो आयरी गल्लाओं कर दी मारी अखा नाल लड़ दी मारी याद वो आयरी बारिशों में लिपट के माँ आती थी वो चल के मायरी देरियां हो जाए तो रोती हलके हलके मायरी फिर से मैं रोऊं फिर वो गाए ठंडी हवाएं बन के जाए मारी हीरे ओ गांदी मारी गिद्दे ओ पांदी मारी याद वो आयरी गल्लाओ कर दी मारी अखा नाल लड़ दी मारी याद वो आयरी अब क्या करूं कासे कहूं ए मायरी अब क्या करूं कासे कहूं ए मायरी दुनिया पर आई छोड़ के आ जा झूठे सारे नाते तोड़ के आ जा सौरभ दी तुझे एक बारी आ जा अब के मिले तो होंगे ना जुदा ना जुदा ना जुदा हे हुड़ते हो आए कोई तले आए मारी याद वो आए री गल्लाओं कर दी मारी अखा नाल लड़ दी मारी याद वो आयरी भूल गई मेरा प्यार माए पस लगे महीने चार मारी याद वो आयरी याद वो आयरी मन्नू याद वो आयरी मुझको याद वो आयरी।
क्या बात है। तो मतलब जर्नी आगे बढ़ती जा रही है रेट्रो 106.4 पे। थैंक यू सो मच मोहित, बहुत मजा आया ये इतने सारे सॉन्ग्स सुनने को मिले और एक अलग किस्म की पर्सनालिटी को जानने का मौका मिला। आई एम श्योर देयर इज लॉट फॉर यू इन द फ्यूचर एंड आई एम श्योर रेट्रो जैम प्रोजेक्ट के और सीजन जो जब होंगे तो वील कम अप विद समथिंग विच इज मोर ऑफ योर्स एंड आपके ओरिजिनल्स को भी हम एंजॉय करेंगे। थैंक यू सौरभ, आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। रेट्रो 106.4 फिर बजाओ। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। तुमको देखे बिना चैन मिलता नहीं, दिल पे अब तो कोई जोर चलता नहीं। जादू है कैसा दिल की लगी में डूब गया हूँ इस बेखुदी में। वो आहा ला 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 ला। वो आहा ए अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या करूं प्यार में दीवानों जैसा हाल है।